नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करते हैं नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर जो मिला है अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लुक को। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लुक को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लुक को 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। न्यूयॉर्क में जन्मी 77 वर्षीय ग्लुक ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली 16वीं महिला हैं। उन्हें सहज खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाने वाली आवाज के लिए ये सम्मान दिया गया है। मानव जीवन के दर्द को काव्य में पिरोने वाली लुईस को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। बीते वर्षों में हुए कई विवादों के बाद साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लुक को प्रदान दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने ग्लुक के नाम की घोषणा की है। अकादमी ने अपनी घोषणा में कहा है कि 1943 में जन्मी कवियत्री को यह पुरस्कार उनकी उस सटीक काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है जो अपनी मौलिक खूबसूरती के साथ व्यक्ति के जीवन को सार्वभौमिक बनाती है। लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। लुईस को वर्ष 1993 में उनके काव्य संग्रह वाइल्ड आयरिस के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2014 में उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड भी जीता था। प्रमुख तौर पर उनकी कविताओं में मानव होने के दर्द की सच्चाई को केंद्र में रखा जाता है। उनकी रचनाएं मृत्यु, बचपन और पारिवारिक जीवन जैसी भावनाओं पर आधारित होती हैं। वाइल्ड आयरिस के अलावा फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट और अरवानो भी उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह रहे हैं। अब आइए साहित्य के नोबेल में ऐसे जुड़े विवाद जिनके बारे में आपको अति आवश्यक है जानना। 2019 में ऑस्ट्रिया के पीटर हैंडके को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अल्बेनिया, बोस्निया व टर्की समेत कई देशों ने पुरस्कार का बहिष्कार किया था। 119 साल के इतिहास में दो बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित हुआ है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार पुरस्कार को स्थगित किया गया था। 2018 में स्वीडिश अकेडमी से जुड़े यौन शोषण प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद इस पुरस्कार को स्थगित किया गया। सो ये था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्डेड टू अमेरिकन पोइट लुईस ग्लुक। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन अवार्डेड टू द यूएस पोइट लुईस ग्लुक फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टेरी ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। So she is the first American to win the prestigious award since Bob Dylan was honored in 2016. Toni Morrison was the last American to receive the prize before him, winning in 1993. Gluck, the 16th woman to win the literature prize, has published 12 collections of poetry and several volumes of essays on poetry. Her writing is characterized by a striving for clarity and focus on themes of childhood and family relationship, according to notes from Andres Olson, chairman of the Nobel Committee. So this is all about Nobel Prize, which is given in the field of literature. So ऐसे videos के more updates के लिए मेरे channel को like and subscribe करिए. So thanks for watching video and don't forget to press the bell icon of my channel.